खबर देहरादून से आ रही है, जहां नेहरू कॉलोनी थाना पुलिस ने केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के रिटायर इंजीनियर के घर हुई लाखों की चोरी का खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने पंजाब निवासी दो आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनसे 41 लाख रुपए के गहने और डॉलर भी बरामद किए गए। SSP देहरादून अजय सिंह ने बताया कि दूधली रोड से 20 वर्षीय सौरभ और 22 वर्षीय मनदीप दोनों को गिरफ्तार किया है। ये थाना नेहरू कॉलोनी में 16/17 की रात है, अजबपुर कला में श्री गोसाई जी रहते हैं, जिनके घर में चोरी की वारदात हुई थी और उनके यहाँ से 60,000 कैश और करीब करीब उन्होंने जो लिखाया था उसमें 30 से 32 लाख रुपए की ज्वेलरी जो बताई थी उन्होंने, उस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। क्योंकि एक बहुत बड़ी घटना थी, इतनी बड़ी मतलब इसमें जनमानित जो मूल्य था बहुत ज़्यादा था, लेकिन इसके दौरान ही जब हमारी टीम काम कर रही थी इस पर, तो मुखबिर के माध्यम से मैनुअली पता चला, चूंकि वहाँ कहीं CCTV नहीं था। एक सपेरा जाति के लोग हैं यहाँ पर, काफ़ी दिनों से घूम रहे हैं यहाँ पर, और चूंकि इस तरह के कुछ जाति के लोग पहले भी तो अपराध में लिप्त रहे हैं, तो मैनुअल पुलिसिंग के अनुसार जो है इस पर हमारी टीम ने काम किया और इसको दो लोग को इसमें गिरफ्तार किया जो तरन तारण पंजाब के रहने वाले हैं। इनका नाम सौरभ और मनदीप है और सबस ज्वेलरी जो इनके साथ चोरी हुई थी वो सब बरामद हुई। बरामद ज्वेलरी के बाद जब परिजनों को दिखाया गया तो उसकी कीमत करीब 41 लाख रुपए, चूंकि काफ़ी सारी चीज़ें वो भूल गए थे लिखवाना, एक बहुत बड़ी चोरी का खुलासा हुआ है। पूछताछ में पता चला सपेरा जनजाति के लोग हैं, ये अपने कपड़ों को बदल देते हैं जब कहीं घटना करते हैं जिससे कहीं CCTV में ना आए, साथ ही साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करते हैं बहुत दूर जाकर और रेलवे ट्रैक को ही फॉलो करके जाते हैं। ये जो घर था वहाँ से पास में रेलवे ट्रैक है जयपुर कला में, तो उन्होंने वहाँ चोरी करी और रेलवे ट्रैक से पैदल पैदल ये निकल गए और इसके बाद ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पकड़ते हैं। क्योंकि भी फुटेज अब कहीं नहीं थी, मैनुअल पुलिसिंग के आधार पर, मुखबिर की सूचना के आधार पर जो हमारी टीम लगी थी बहुत बड़ा वर्कआउट किया और 41 लाख की इसमें जो पूरी ज्वेलरी थी वो बरामद कर ली गई। अभियुक्त लोगों को आज जेल में भेजा जा रहा है।